स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे पास एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चन लिए बतौर एग्जांपल, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, हमने इससे पहले तीन मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर हमने कंपेरिजन मेथड पढ़ा, फिर हमने इससे पिछले लेक्चर में फार्मूला मेथड पढ़े, ठीक है। क्यूब वाला भी फार्मूला लगाया हमने, स्क्वायर वाले भी लगाए, ठीक है। उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसे स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए बी ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू जीरो, यानी उसके मैं कोफिशेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसको देखिए, स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व कर सक किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम एक्स इलिमिनेट कर सकते हैं इन क्वेन से। हमारे पास दो इक्वेन गिवन है, क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक। इस लेक्चर को आप पूरा सुनिएगा, जब भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके अलावा आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो ये देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो ए बी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, हमारे पास ए बी और सी और इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब इसके अंदर जो एक्स है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक, और ये भी वेरिएबल है, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। सी जो होता है, इसमें आर दिया हुआ है, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कॉन्स्टेंट का मतलब, ठीक। वेरिएबल हमारे पास जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट एक नंबर होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये आप लोग बात पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर हम करते हैं क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो पहली इक्वेशन होती है क्वेश्चन के अंदर से, उसके जो कोफिशेंट होते हैं ना, दोनों कोफिशेंट हम लिखते हैं। पहले लिखेंगे पी, इसका कोफिशेंट पी है, ठीक है। नंबर होता है इसमें पी दिया हुआ है, ठीक है ना, जनरल रिजल्ट के लिए। फिर इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं, थोड़े से फासले पे हम बी का कोफिशेंट लिखेंगे। बी हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, क्यू है, ठीक है। और अब हमारे इसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, माइनस आर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इसी मेथड से करना है कि पहली जो इक्वेशन होगी उसके जो कोफिशेंट होंगे दोनों लिखने फासले से ऐसे, फिर उसके बाद आपको उसका कॉन्स्टेंट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा वो ये वाली जो हमने तीनों कोफिशेंट लिखे हैं और कॉन्स्टेंट जो लिखा है उनको रिपीट करना है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे पी क्यू और माइनस आर, ठीक है ना। यानी एक बार हमने लिख लिया एक रो में, ठीक है, फिर उसको हम रिपीट भी करेंगे। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, दूसरी वाली जो इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट्स, उसके कोफिशेंट बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे। जैसे ए, ये हमारे पास ए का कोफिशेंट है ना, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट होता है, ये सी पार्ट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वेयर प्लस बी बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए हमारे पास ए बी सी आ गया, इस वाले के अंदर भी हमारे पास कोफिशेंट क्या है, ए, ठीक है। बी क्या है, हमारे पास बी है, इसमें बी का बी, इसमें बी बी है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, और सॉरी कोफिशेंट नहीं है, जिससे आप कन्फ्यूज नहीं होएगा, ठीक। अब इसके अंदर कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस सी। अच्छा, कॉन्स्टेंट माइनस सी भी हो सकता है नंबर, ठीक है ना, माइनस सी। जैसे अब हमने ऊपर किया है वैसे ही हमें नीचे करना है, इसको रिपीट करना है दोबारा, ठीक है, ए, ठीक है, फिर बी, और फिर हमारे पास क्या है, माइनस सी। अब इसको इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा कि हम क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन बनती है ना, सॉरी वर्टिकल ही कहलाएगी, ये वर्टिकल और ये वाला वर्टिकल पार्ट, इसको हम ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, इससे हमारा कोई काम नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ लो ये हमारे पास किसी काम का नहीं, भाई ये पार्ट हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहली जो वर्टिकल लाइन होगी उसके अंदर जो दो कोफिशेंट होंगे, और लास्ट वाली की जो वर्टिकल हमारे पास जो रो क्या कहते हैं कॉलम होगा, वर्टिकल कॉलम और फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, उसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास ये बचा है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, ठीक है, सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, तरतीब से इसका पहली वाली इक्वेशन जो है ना, पहली वाली इक्वेशन, दूसरी वाली नहीं, इसके अंदर पहली के अंदर और दूसरी के अंदर जो वेरिएबल एक्स ही है, शायद दूसरे में कोई और वेरिएबल हो, तो आपको पहली जो इक्वेशन होगी उसका वेरिएबल लिखना है पहला, वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे आप क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले हमारे पास ये डायगोनल इंट्रीज जो है ना, ये वाली डायगोनल,
क्यू और सी, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वाली इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मगर पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे, क्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब इम्प्लाइज क्या है कि मल्टीप्लीकेशन, और माइनस सी ब्रैकेट में एज इट इज, ठीक। अब क्या मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, सेकेंड डायगोनल इंक्री जो है हमारे पास, ये वाली इंक्री हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होगी माइनस आर मल्टीप्लाई बी, मगर उससे पहले जब जैसे हमारे पास इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे पहले हम इसके अंदर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। ये वाली जो हम जो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इसमें से माइनस करेंगे पहली वाली में से, ये बात याद रखिएगा। माइनस लगाया, अब हमारे में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस आर, अच्छा माइनस, ये तो माइनस इसका रूल है, ठीक है ना, माइनस इसके रूल के मुताबिक लग रहा, और ये वाला जो माइनस है वो माइनस आर का है, ठीक है ना। ये एक ही आर, एक ही माइनस मत लगा दीजिएगा, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से, बी, ठीक है। स्क्वायर्स, अब फिर हम क्या करते हैं, इक्वल का निशान लगा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो एक स्क्वायर आ गया था, ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल है क्या इसके अंदर, बी में हमारे पास बी का वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है ना। अब बी का वेरिएबल क्या है, स्क्वायर हमारे पास एक्स है, सिर्फ एक्स है। अब एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, अब ये पार्ट हमने जो है, ये वाला पार्ट हमने एक्स बना लिया था इसको, अब ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर, ये वाला, इसको हम क्या, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास एक्स हो गया, कौन से वाला, ये वाला तो हमारे पास इधर आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमारे पास होगा, तो इसमें से क्या होगा, देखिए पहले पहली जो हमारे पास इंक्री वो मल्टीप्लाई होगी माइनस आर मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब दूसरी वाली मल्टीप्लाई होगी तो वो पहली में से माइनस होगी, माइनस लगेगा, वही प्रोसेस, माइनस लगा, अब हमारे पास क्या है, पी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस सी से, माइनस सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इक्वल, अच्छा अब जो हमारे पास इसका जो लास्ट में जो कोफिशंट होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो कोफिशंट होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा हमारे पास जो लिखा जाएगा वो वन लिखा जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। वो जो भी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होगा वो भले, जैसे देखिए इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे ये आर की जगह हमारे पास कोई नंबर ही लिखा होता, मिसाल के तौर पे 20 लिखा होता, तो आप 20 नहीं लिखोगे, सिर्फ वन, इसको वन ही कंसिडर करोगे हमेशा। तो आप क्या लिखोगे, वन डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसमें आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा है, ये देखिए ये थोड़ी सी लाइन जो है ना, ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है। यानी पी मल्टीप्लाई होगा बी से, बी है ना, और माइनस वही क्यू मल्टीप्लाई होगा किससे, ए से, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए हमारे पास ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अब देखिए ये दोनों, कहीं आप ये नहीं कहो कि ये तो स्क्वायर में और ये तो स्क्वायर में नहीं, कैसे बराबर हो गई, तो वही बात ये है कि ये वाली जो उसकी डिनोमिनेटर है ना वो इससे अलग है, ठीक है ना। अगर इसका डिनोमिनेटर भी सेम होता ना, और ये हमारे पास सिर्फ x खाली लिखा हुआ होता स्क्वायर के, और ये हम कहते हैं स्क्वायर के बराबर है, जब हम कहते हैं इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए डिनोमिनेटर में अलग है, तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास शायद इसका या इसकी वैल्यू कुछ और बने, इसकी मिसाल के तौर पर 20 बने, इसका स्क्वायर होने के बाद मिसाल के तौर पर 20 बने, बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा जो मेथड होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इसके बराबर है तो, और ये इसके बराबर है तो क्या इम्प्लाइज होगा कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ऐसा है बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इधर एक लाइन लगा लेंगे और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्यू सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस सी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास माइनस आर बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर हो जाएगा, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आर, पहले आर को पहले लिख लो या बी को लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब इसको हमने कहा है कि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो वन ओवर, ये वन ओवर के भी बराबर हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब पी भी मल्टीप्लाई होंगे तो हम बी को पहले लिख लेते हैं ताकि ऑर्डर में चले एक तरतीब से, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस ए और ये क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या कहेंगे, देखिए अब ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर है, सॉरी x, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस ए आर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
पी मल्टीप्लाई होगा माइनस सी, तो माइनस पी सी हो जाएगा, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस सी पी, प्लस सी लिख लेते ताकि ऑर्डर में चले सही तरतीब से। और हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया इसको, वन ओवर पी बी पी माइनस क्यू और ए, ठीक है ना। इसको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए हमने तो स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो है ये जो है हमारे पास इधर डिवाइड हो रही है, ठीक। अब इसको अगर हम उस तरफ शिफ्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बोथ साइड पे ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, डायरेक्टली स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेस नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ से ये डिवाइड जो है उधर जाएगी, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये ऐसी चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगी, माइनस ए आर, ठीक है, प्लस सी और ये पी, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी चीज़ आ गई है इधर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर ये वन से मल्टीप्लाई होकर ऐसी चीज़ आ गई है, तो यहाँ से हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से किया, तो इधर भी वही प्रोसेस करेंगे, ये इधर चले जाएगी सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा बी आर को हम पहले लिख लेंगे ताकि हमारे पास माइनस साइन बाद में आ जाए, ठीक है। और ये माइनस सी क्यू था हमारे पास, माइनस सी क्यू, ठीक है ना, बी आर को पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, बात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड किया तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब इसको देखिए हमारे पास जो है एक्स और एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ये स्क्वायर में और ये हमारे पास स्क्वायर में नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो था डिनोमिनेटर अलग अलग था, ठीक है ना, जब हम कहते थे ये दोनों बराबर हैं तो x की वैल्यू नहीं मालूम थी अभी। अब ये जो है हमारे पास x, इसके अगर बराबर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ भी करेंगे। अब देखिए दोनों ये स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो गए, अब तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, और मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास स्क्वायर क्या है, बी आर माइनस सी क्यू डिवाइड बाय पी बी पी ए और क्यू इक्वल टू ये, अब आर एक्स स्क्वायर के बराबर हो गई ना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर बनाए थे तो इक्वालिटी किस तरफ भी स्क्वायर लिया था, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का भी, तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ए, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ए माइनस वाली जो वैल्यू ना वो बाद में लिख लेंगे, या देखिए मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, पी सी पी सी पी और स्क्वायर, और नीचे अलग स्क्वायर अलग करेंगे, डिवीज़न और मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास है ए ए क्यू, ठीक है ना, ये हमारे पास ए क्यू आ गया, और सॉरी इसके ऊपर भी हमारे पास होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको लिख लिया बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा है जो हमारे पास ये लिखा था, पी आर माइनस सी क्यू, ठीक है, और हमारे पास ए माइनस ए आर प्लस सी पी स्क्वायर और पी बी बी पी और माइनस क्यू, ठीक है, ए क्यू, और हमारे पास ये भी ये वाली साइड बी पी माइनस क्यू, ये हमारे पास सेम आ गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको भी मिटा देते हैं हम। अब इसको देखिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, अभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, इस वैल्यू को मैं उधर ले जाऊं, अगर इस वैल्यू को उधर ले जाऊं या इस वैल्यू को उधर ले जाऊं, तो देखिए इसकी एक वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी, इस होल की वैल्यू वन आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास टू है, तो एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। कैसे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी पी माइनस ए और हमारे पास क्यू, हॉल हॉल ब्रेकिंग में डिवाइड हो सकता है, और जाहिर है इधर जो काम किया वो इधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे पास है बी पी माइनस ए और क्यू, ठीक है, और वन। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना,
आज डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कराने के बजाय हम डिवीजन भी कर सकते हैं, ये बात आप जानते ही, हमारे पास खत्म हो गई, हमारे पास वन बचा, इधर वन इन सबसे मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू आएगी। ठीक, अब ये देखिए हमारे पास जो इसकी पावर टू है, इसकी पावर वन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं ये हमारे पास इसकी पावर वन है, ठीक है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, इसको नीचे लेके आऊँगा ना, इसको इसकी एक पावर इससे माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास वन बचेगा, या इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास टू पावर जो है वो एक पावर इसको ख़त्म कर देगा। बात एक ही है, ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके लास्ट सारे क्या होते हैं, अगर ये हमारे पास ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर वन है, तो नीचे आके हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मिलाने के बाद। ठीक है, अगर मैं इसको लेके आऊँगा नीचे, तो हमारे पास पावर इसकी वन हो जाएगी, वो भी माइनस में, वन तो है और माइनस में हो जाएगी, तो इसके अंदर टू पावर है, दोनों सेम है चीज़ है, तो इसकी एक पावर इससे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास ये सिर्फ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये एक ही बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो था स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है ना, आप देखिए हमने जो एक्स था वो एलिमिनेट कर लिया है पहले ही, इसको हमने खुद से इतना ज़्यादा सॉल्व कर दिया। अगर आप इससे मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा बोथ साइड पे ऐड कर लो, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर पी बी, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा स्क्वायर पी बी, और हमारे पास होगा ए और क्यू। ठीक है, जो पहले वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो उसको ख़त्म करने के लिए था, ठीक है ना, अभी इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक, तो अब हमारे पास क्या होगा इसको, ये देखिए इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी, आंसर हमारा निकल चुका है, बस इसको आपकी समझ के लिए और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही बचा है, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है स्टूडेंट्स बी पी, और हमारे पास माइनस क्या था ए और क्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, यही इसका फाइनल आंसर है, बस हमें एलिमिनेट करना होता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। अब इससे मज़ीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।